सी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। प्रस्तुत पाठ साखी में कबीरदास जी ने यह व्यक्त किया है कि काबा फिर काशी भया। काबा मीन्स मक्का मदीना का वह प्रसिद्ध तीर्थ है जो मुसलमानों का प्रसिद्ध स्थान है, जहां जीवन में अगर एक बार आदमी यात्रा कर ले मुस्लिम संप्रदाय में तो अपने आप को बहुत उत्तम मानता है, और हिंदू धर्म में काशी को श्रेष्ठ माना गया है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पूरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। इस संसार में सात ऐसे स्थान हैं जहाँ जाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक आदमी यह नहीं जानता कि राम ही रहीम है और रहीम ही राम है, अल्लाह ही राम है और राम ही अल्लाह है, जब तक उसके मन का मतभेद नहीं मिट जाता, तब तक वह चतुर्दिक दिशाओं में भ्रमण करता रहता है। मोट चून मैदा भया, मोट चून से तात्पर्य चून मीन्स गेहूं। जिस प्रकार से चक्की में गेहूं पिस जाने पर वह मैदा या आटे का स्वरूप ले लेता है, उसी प्रकार मनुष्य को सांसारिक ज्ञान को हटा करके जब अलौकिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वास्तविक ज्ञान हो जाता है, तो सारा भ्रम उसका दूर हो जाता है और वह मैदा और गेहूं में अंतर स्पष्ट कर देता है। बैठ कबीरा जीम। उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं, मैदे का भोजन के स्वरूप में स्थूल भेदों के चक्कर में मत पड़ना। ऐसा ही कहा गया है कि जब आदमी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को जानने का प्रयास करता है, तब वह माया भूल करके सांसारिक स्वरूप को ग्रहण करता है।